हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए दुपट्टा स्लीव्स विद ऑफ शोल्डर का एक बहुत सुंदर टॉप लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक शैंटून का कपड़ा है, इसमें से हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनाएंगे। तो लेंथ हमने 13 ले ली है, लेंथ आप अपने हिसाब से जो आपकी लेंथ हो वो ले लें। तीरा हमारे पास लिया और 7 ही मोटा लिया। तो बस्ट साइज हमारे पास हमने 4 से डिवाइड किया और उसमें हमने प्लस हाफ कर दिया, जो भी आपके बस्ट साइज हो वो रख लें। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे, 1/4 + 1, 3.5 इंच हम चौड़ाई लेंगे। लेंथ मैंने आपको बता दी है, अब नीचे से मिला देंगे। तो देखिए, अगर हमें सिंपल बनाना होता तो हम इस तरह करके 4 प्लेटें डालते इसकी, ठीक है। मैं इसमें आपको प्लेटें डालने का तरीका भी दिखा दूंगी, अगर आपको सिंपल प्लेटें डालनी हो तो आप डाल लें, और वैसे हम इसको प्रिंसेस कट में ही बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, 2 प्लेटें डल गई। अब 1 इंच की दूरी पे हमने तीसरी प्लेट डाल दी, और यहाँ जहाँ आपस में ये दोनों लाइनें काट रही हैं वहाँ से यहाँ तक हमने मिलाया, ये हमने 2 इंच रखा। ये हमारा बिल्कुल सिंपल जैसे ब्लाउज बनता है उस तरह प्लेटें डल चुकी हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, मार्जन हमने रख लिया है, ठीक है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस का कपड़ा है, इसमें से हम इसका फ्रंट और बैक काटेंगे। ये देखिए, इसी को हम रख लेंगे और बिल्कुल बराबर बराबर हम इसके काट देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये फ्रंट कट गया। अब जो इसके साइड से जो कपड़ा है ना, ये देखिए ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर की तरफ, यहां पे हम इसका बैक साइड काटेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये फ्रंट और बैक की कर लेंगे। अब हमने जो प्लेटों के निशान डाले थे, ये देखिए सिंपल की तरह डले हुए हैं, इसको हम थोड़े गाढ़े कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने नाप के देखा, हमारा बिल्कुल भी कहीं ऊपर नीचे नहीं हुआ। अब ऊपर वाली प्लेट से हम इसे मिला देंगे, बीच की प्लेट हम डालेंगे, ये प्लेट हम नहीं डालेंगे। अब पहले हम बीच की प्लेट से ये जो हमने निशान लगाया इसको काट लेंगे। अब काटने के बाद यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह की गोलाई देंगे, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। लेकिन मैं इसमें पैड नहीं लगाऊंगी, आप चाहें तो इसमें पैड लगा सकते हैं, हम विदाउट पैड बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके हम इसको पूरा सिल लेंगे। ये देखिए, ऐसे मिला के अपने आप ही इक्वल होता चला जाएगा, बस आप ज्यादा इसको खींचे ना। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है। और ये देखिए, अब हम इसके दूसरी साइड जोड़ेंगे। गई, अब हम इसकी जो बीच की प्लेट है उसको हम डालेंगे। ये डालने से शेप बहुत अच्छी आती है, और आप जरूर डालें इसको। ये देखिए, अब आप चाहें तो इसमें पैड लगा लें, अदरवाइज ये ऐसे ही पूरा बहुत अच्छे फिटिंग आएगी। तो ये देखिए, अब हम इसमें बैक साइड में प्लेटें डालेंगे। प्लेट का तरीका वही होगा जो फ्रंट में होगा, तो बस साइडों की नहीं डालेंगे, सिर्फ एक बैक साइड की प्लेट डालेंगे, ठीक है। बस अब इसको पकड़ेंगे और ऐसे करके सिल देंगे। ये देखिए, ठीक है, दोनों प्लेटें डाल के अब हमें देखो गला वगैरह कुछ नहीं काटना, पूरा तीरा सिल देना है। ये देखिए, इस तरह पूरा तीरा सिल के और फिर इसकी फिटिंग भी लगा देंगे। जो भी आपकी तैयार फिटिंग होगी आप वो फिटिंग इसमें लगा देना। फ्रेंड्स, फिटिंग लगाने से पहले ही हम इसे फ्रंट साइड को, जो आगे का हिस्सा है उसको मोड़ देंगे, ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। ये देखिए, पीछे की तरफ नहीं मोड़ेंगे, आगे की तरफ मोड़ेंगे, ताकि इसके ऊपर हम लेस लगा सकें। ये फिटिंग लगाने से पहले ही करेंगे, बाद में हम इसकी फिटिंग डालेंगे। ये इसके जो इसका स्कर्ट है उसमें भी लगा है, ये लैस बाजू में भी लगी है। ये देखिए, बस अब हम इसकी फिटिंग डाल देंगे। यार तो मुझे 4 इंच की बनानी है, लेकिन हम पहले 6 इंच का कपड़ा उतारेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब जितनी बाजू की गोलाई है उसके आधे पे निशान लगाएंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ गोलाई में जो आधा आएगा ना उसमें एक बढ़ा देंगे। ये हमें इसकी माप इस तरह लेनी है।
ये देखिए अभी हमने इसे बिल्कुल सिंपल बाजू की तरह काट लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया ना, ये लगभग लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा है, उसको हम पहले सीधा काट देंगे। आप भी इसी तरह बनाना, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। अब हमें देखो ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसके अंदर से हम पहले एक पट्टी काटेंगे जो इसके ऑफ शोल्डर पे लगाएंगे। 2.5 की हम काटेंगे, बनने के बाद ये 1.5 रह जाएगी हमारी। तो एक पूरी काट लेते हैं, 40 इंच की हमें चौड़ाई में चाहिए। 2.5 हमारी ये कटिंग हमने कर ली। ठीक, अब ये जो कपड़ा बचा है, यहाँ से हम इसकी जो स्लीव्स का हमने कपड़ा काटा है ना, इसको हम रख के इसके बराबर काट लेंगे। ये देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप इजीली बना सकेंगे। अब देखिए कटने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं सीक्वेंस को, और एक के ऊपर एक रख के जोड़ देंगे। अब ये हमारे पास जो हम इसका स्लीव्स के अंदर दुपट्टा लगाएंगे वो है। तो ये मेरे पास नेट है, लगभग 2 मीटर मैंने नेट ली है। ये देखिए लेने के बाद मैंने इस नेट को 48 इंच लेंथ में, और जितनी हमारी गोलाई थी 12 थी, 12 ही हमने ऊपर की तरफ लिया, और नीचे की तरफ मैंने इसको 20 लिया। जो हमारा दुपट्टा है नीचे से घेर वाला होगा, ऊपर थोड़ा कम लेंगे, तिरछा लेंगे। तो ये लगभग हमारा इसमें 1.5 मीटर नेट लगेगा, बाकी आधा मीटर हमारा बच जाएगा। किनारे से किनारे मिला के मैंने लिया है चौड़ाई में, ये देखिए। ठीक, अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए ये मेरे पास शैंटून का कपड़ा है, और ये मेरे पास स्लीव्स है। अब इसको हम एक के ऊपर एक रख के सिल देंगे। ये देखिए यहां से तो हमने सिल दिया, और इस साइड का जो सिलेंगे वो हम फिनिशिंग वाला सिलेंगे अंदर दबाते हुए। ये देखिए अंदर को दबाते हुए, कुछ भी हमारा बाहर नहीं दिखेगा। ये देखिए ठीक है, एक तरफ तो फिनिशिंग वाला है और एक तरफ सीधा सिला हुआ है। अब ये हमारे पास टॉप है जो हमने ऊपर से पूरा बंद कर रखा है, ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो जैसे हमारे पास 12 इसकी गोलाई थी, ये देखिए 12 का हाफ हमने 6 पे लगाया निशान, और इसे ऐसे करके मिला देंगे, आगे की तरफ 6, पीछे की तरफ 7। ये देखिए ये हमने ले लिया, लगभग इससे 1 इंच बड़ा, बस इस चीज़ का आप आइडिया रखना। अब हमारे पास ये 6 है, 6 का हाफ हाफ करा, 3 3 पे निशान लगा लिया। ये देखिए ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब इसको हम सीधी तरफ भी ले लेंगे। ये देखिए ठीक है, ये हमारे फाइनल निशान आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच पहले एक कट लगा लेंगे, जो छोटी वाली साइड है नेट की, 1 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए ठीक है, अब इसे खोलेंगे और इस निशान को हम सीधी तरफ भी ले लेंगे। देखिए हल्का हल्का दिख रहा है, थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं इसको। अब ये जो हमारे पास, ये देखिए ये बीचों बीच का कट है, बीचों बीच के कट से मिलाएंगे। ये देखिए बीच का जो पोर्शन है इसको हम सिलेंगे। ठीक, अब देखो सिलने का मैं तरीका दिखाती हूँ। ये बीच के पोर्शन को हमने, ये देखिए सिल दिया। अब ये बाद में जो जगह बची उसमें हम पूरी नेट के अंदर ऐसे करके चुन्नट डाल देंगे, और जहाँ पे हमारी गोलाई का निशान है यहाँ तक आ जाएंगे। ये तो अभी एक साइड का है, अभी दूसरी साइड में थोड़ा अलग करेंगे, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये तो पीछे की साइड का हो गया। अब फ्रंट पार्ट को हम किस तरह करेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ मैंने सिल रखा है, इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे। ये थोड़ा सा हमने खोल लिया, अब सिलना शुरू करेंगे। ये बीचों बीच का निशान है हमारा, और यहाँ से ही हम चुन्नट डालेंगे, बीचों बीच से ही चुन्नट डालेंगे। और ये देखिए नीचे की तरफ बस हम थोड़ा सा 2 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए ठीक है, गोलाई से ऊपर 2 इंच छोड़ के हम इसे ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए पीछे की तरफ जो नेट है उसको हम इस तरह दबा देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा हम उसको काट देंगे। ये ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, एक तरफ ज्यादा चुन्नट है, एक तरफ कम चुन्नट है। अब हम बिल्कुल इस तरह करके इसको सिल देंगे। ये देखिए अब एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड पे आपको दिख जाएगा, मैं सीधा करती हूँ, फिर दिखेगा आपको किस तरह आया हमारा। ये देखिए बैक साइड में तो पूरी नेट आई है,
और फ्रंट साइड में लगभग 2 से 2.5 इंच कम है। ये देखिए, फिनिशिंग भी आती है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है। ये दोनों फ्रंट साइड को ऊपर रख के हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये तो ऐसे रखेंगे बराबर मिला के। अब दोनों को हम एक साथ ऐसे रखेंगे और ये ऊंचे नीचे आया है इसको हम काट देंगे। अब हमें इसमें लेस लगानी है। ये देखिए, सीधी तरफ लेस लगाएंगे, उल्टी तरफ नहीं। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि नेट तो दोनों तरफ से एक सी होती है, इसे जो हमारा कपड़ा सीधी तरफ होगा बाजू में उस तरफ ही लेस लगानी है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए बाजू बन चुकी है हमारी और आप ये देखें कितना सुंदर नीचे से दुपट्टा हमारा आया है। ये देखिए, ठीक है। अब हमें टॉप के अंदर गले वगैरह का निशान लगाना है, तो उससे पहले हम इसकी फ्रंट साइड की शेप करेंगे। ये देखिए, दोनों में कर लेंगे, आगे के दोनों हिस्सों में। ये देखिए, शेप हमारी हो चुकी है। अब हम जो बाजू का आगे का हिस्सा है वो आगे की तरफ जोड़ेंगे। ये देखिए, अब हम बाजू की तैयार लेंथ ले लेते हैं। तो 4 हमारे पास है, तो ये 4.5 आ रही है। थोड़ी सी हम इसमें से कट कर देंगे क्योंकि हमें बहुत लंबी नहीं चाहिए, और 1.5 इंच की शेप डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगभग जहाँ पे हमने फिटिंग डाली उससे ऊपर 2.5 इंच, तो आप ऐसे नाप लें। तो मैंने ये देखिए 5 इंच पे निशान लगाया है। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे के हिस्से को, ये देखिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे जहां पे शेप है वहां से मिलाकर सिल देंगे। पर जहां तक ये निशान आ रहे हैं ये एरिया सिलेगा, यहां से यहां तक सिल जाएगा और बाकी हमारा खुला रह जाएगा हिस्सा। ये देखिए, ऐसे जोड़ से जोड़ को मिला के ये आधा तो इधर सिल देंगे और आधा हम इधर सिल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसे मैं दिखा देती हूँ आपको, पहले कट्स लगा लेते हैं, आसानी हो जाएगी हमें जोड़ने में। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से पकड़ा और बीच की सिलाई को भी पकड़ा और पकड़ के ये देखिए यहाँ से सिलना शुरू करेंगे जहाँ पे हमारा कट निशान है। ये यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, आगे से सिलना शुरू करेंगे और पीछे तक जाएंगे, ठीक है। ये जो कपड़े हैं इसकी साइड की फिटिंग के, उनको अंदर ही कर देंगे। देखिए साइड में चेन नहीं लगेगी, अभी बैक साइड से ओपन करूंगी मैं इसे। बस जहां तक हमारा निशान है वहां तक हम इसे सिल के इस जगह पे थोड़ी सी डबल कर देंगे सिलाई को। ये देखिए, दिख रहे हैं ना आप कितना अच्छा आया है, और बहुत ही आपको आसान लगेगा। इसलिए मैंने गला लास्ट में ही हम काटेंगे। और ये देखिए फ्रंट पार्ट और ये दुपट्टा, ठीक है। दुपट्टा स्लीव्स लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। तो ऐसे करके तीरे को पकड़ेंगे और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, कहीं पे भी हमारा ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए, सब जगह पे इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से भी नीचे से भी, ठीक है। अब हम इसके अंदर गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए 4.5 तो हमने इधर लिया क्योंकि हमने पहले 5 पे निशान लगाया था, थोड़ी सिलाई लगने के बाद 4.5 हो गया। और यहाँ पे हम 5 ले लेंगे गले की तरफ वन साइड पे, और एक हल्की सी गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए 4.5 पे निशान लगाया है हमने, और जब हमने पहले निशान लगाया था तो 5 पे लगाया था। अभी हमारा आधा आधा इंच इसमें बचा हुआ है, अभी हम इसे सिलेंगे। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको बचा हुआ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन में आगे की तरफ निशान लगाएंगे, लगभग आधा इंच,
और लगा के इसको ऐसे सिल देंगे ताकि फ्रंट पार्ट का खिंचाव बना रहेगा। ठीक है, अब ये जो भी ऊंचा नीचा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए गला हमारा किस तरह आया, देख रहे ना आप। अब हम पीछे के हिस्से को इक्वल करके काट देंगे, ये देखिए ऐसे करके काट देंगे। और इसमें जैसे हम हुक पट्टी लगाते हैं बिल्कुल उस तरह पट्टियां लगा देंगे। ठीक है, ये सिंपल ब्लाउज की तरह आप लगा लेना। अब हमने 40 इंच जो लंबी एक पट्टी काटी थी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा काट छांट करेंगे तो हमारे पास 2 इंच की बचेगी। और ये देखिए ये हमारे पास शेंटून की 2 पट्टियां हमने इसी के बराबर काट ली हैं। अब इसके ऊपर फ्यूज पेपर रख के हम चिपका देंगे। फ्यूज पेपर लगा के हम इसे प्रेस की सहायता से चिपकाएंगे। और ये देखिए पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इस पट्टी के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे, पहले एक साइड लगाएंगे फिर दूसरी साइड लगाएंगे। ये देखिए ठीक, अब इसे जो हमने शैंटून की पट्टी काटी थी उसके ऊपर रख के जोड़ देंगे। जब हम पलटेंगे तो सारी सिलाइयाँ इसके अंदर चली जाएगी। अब दूसरी साइड भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी ऊपर की पट्टी तैयार हो चुकी है जो हमें गले में लगानी है। ये हमने 40 इंच के लिए है, जो हमारा साइज था उससे थोड़ी बड़ी ली है, बाद में हम इसे अंदर मोड़ देंगे। ये देखिए अब ये हमारे गले के बीचों बीच का निशान है। इस बीचों बीच के निशान से ये जो शैंटून की पट्टी है उल्टी तरफ से रखेंगे और सीधे तरफ पलटेंगे ताकि इसके सारे जोड़ अंदर चले जाएं। ये देखिए ये देखिए, अब जब लास्ट में आ जाएंगे इसको हम ऐसे अंदर मोड़ देंगे। अब देखिए जब लास्ट में आएंगे तो हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मोड़ देंगे और यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, आधा इंच के आसपास बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसमें हम पट्टी लगाएंगे। ये देखिए अब सेम यही प्रोसीजर हम इसके दूसरी तरफ करेंगे। अब ऊपर इसको बैठा के सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फिनिशिंग दिखानी होगी तो देखें फ्रेंड्स, गला बन गया और देख रहे हैं फिटिंग विटिंग सब हो गई है। गला देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। और बाजू आप देखें, ये देखिए ये कटा हुआ हिस्सा आगे की तरफ है जहाँ पे हमने छोड़ा था, और इसकी दुपट्टा भी अटैच हो चुका है। और देखें कितनी फिनिशिंग और कितना सुंदर लग रहा है। और बैक पोर्शन में अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने हुक पट्टी लगाई। ये देखिए हुक पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे मैंने पूरे गले में एक डोरी डाल दी जिससे कि आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे टाइट या ढीला कर सकें। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी, आप इस तरह एक बार बना के देखें। और देखिए यहाँ पे ऊपर डोरी बन जाएगी और मैंने नीचे हुक लगा दिए। ठीक है, अब हुक लगाने के बाद ही कमर पे एक वी वी शेप बन जाएगी, जो पहनने के बाद हल्का सा वी बन जाएगा और बहुत सुंदर लगता है पहनावा। ये देखिए फ्रंट आप देखें इसका और बैक भी देखें, फाइनल लुक देखें इसका। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सीखना, लाइक और सब्सक्राइब।